दोस्तों अगर आपका एज 18 प्लस हो चुका है एंड अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी के हम लोग ड्राइविंग करें तो आपको उसके लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज के इस नई वीडियो में हमको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लर्निंग लाइसेंस बनाना जरूरी होता है। बिना लर्निंग लाइसेंस के आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीने तक होती है, आप 6 महीने तक उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड उसके 1 महीने बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ड्राइविंग लाइसेंस का पहला पार्ट है। इस वीडियो में आपको लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा कि आप लर्निंग लाइसेंस को घर बैठे ऐसे ऑनलाइन करके बनवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा जो 1 महीने बाद अप्लाई होता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रोसेस समझाते हैं। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे अपना माउस ले जाना है एंड इसके नीचे जो सेकंड वाला ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, आपको इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट स्टेट नेम पे क्लिक करके अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसे स्किप कर लेना है। नेक्स्ट इस प्रकार का पोर्टल खुल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनाना पड़ेगा उसके बाद ही आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, आपको इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको इस प्रकार के प्रीव्यू ओपन होगा, इसमें आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट रहने दीजिएगा एंड यहाँ पे जो पहला ऑप्शन सिलेक्टेड है वही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा प्लीज सिलेक्ट आरटीओ ऑफिस। तो दोस्तों इसमें आप जिस भी जिला से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं अपना जिला को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर फिल करना है एंड जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके फोन में एक ओटीपी जाएगा, आपको सिंपली उस ओटीपी को इसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट आपको ऑथेंटिकेट विद सार्थिक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस का इस प्रकार के फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपको इसमें वन बाय वन करके सारा डिटेल्स आपका फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करेंगे एंड अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करेंगे, नहीं तो फिर आप यहाँ पे लास्ट नेम फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रिलेशन पे आना है। तो यहाँ पे आपको अपना रिलेशन में अपना फादर का नाम यहाँ पे फिल कर देना है एंड इसके बाद आपको अपना फादर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम फिल करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन, जो आपका क्वालिफिकेशन है 10+2 है, ग्रेजुएशन है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप बताना है। दोस्तों यहाँ पे ब्लड ग्रुप ऑप्शनल में है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज में यहाँ पे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ, ये ऑप्शनल है। लेकिन आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप भरना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप आप भरेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सही बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो एक बार आप डॉक्टर के यहाँ जाके अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा के यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी फिल कर देंगे, नहीं भी फिल करेंगे तो चलेगा। इसके बाद आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, जैसे कहीं पे कोई तिल या कटा शटा का निशान है तो वो भी देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एड्रेस वाले कॉलम में चले आएंगे, तो एड्रेस आपको यहाँ पे सही से फिल करना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना पड़ता है। प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पे देखेंगे आपने जो स्टेट सिलेक्ट किया होगा वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जिला को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपना गांव, अगर आप गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप अपना गांव का नाम फिल करेंगे, अगर टाउन से बिलोंग करते हैं तो टाउन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आप अपने यहाँ पे टाउन का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ब्लॉक सिलेक्ट किया है उस ब्लॉक में ज्यादातर ही विलेज ही है, तो ठीक है, यहाँ पे विलेज वाला ऑप्शन में यहाँ पे सब सारा नाम शो कर रहा है। टाउन पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना गांव का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस को फिल करना है। दोस्तों एक बार यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि ये जो ऊपर में आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस में प्रिंट नहीं होगा। आप नीचे जो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप फिल करेंगे वही एड्रेस आपका ड्राइविंग लाइसेंस में प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप अपने फुल एड्रेस को फिल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर लिया है ताकि जो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा आए पोस्ट ऑफिस द्वारा उसे पहुंचाने में परेशानी ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने विलेज का नाम फिल कर दिया, पोस्ट ऑफिस, थाना का नाम, डिस्ट्रिक्ट गया, बिहार एंड पिन कोड, ये सारा डिटेल्स आपको फिल कर लेना है, ठीक है। इसे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख जाएगा परमानेंट एड्रेस का। दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट
परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे स्टिक आउट को हटाएंगे एंड अपना परमानेंट एड्रेस भी अलग से फिल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे सेम है। इसके बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स फिल करना है। जैसे आपको कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आपको टू व्हीलर का बनाना है या फिर फोर व्हीलर का सिर्फ बनाना है या फिर टू एंड फोर दोनों का बनाना है, यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको टू व्हीलर का सिर्फ बनाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मोटरसाइकिल विथ गियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर में है मोटरसाइकिल विद गियर, आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इस टिक आउट को क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है इस कॉलम में आ चुका है। एंड दोस्तों अगर आप फोर व्हीलर के भी साथ में बनाना चाहते हैं, टू एंड फोर व्हीलर दोनों बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है लाइट मोटर व्हीकल, आपको इस पे भी क्लिक करना है एंड यहाँ पे टिक आउट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा दोनों ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ चुका है। इसे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछ जाएगा क्या आपने ड्राइविंग स्कूल से अपना ट्रेनिंग लिया है, तो अगर आप किए हैं तो यहाँ पे टिक आउट कर देंगे, अगर नहीं किए हैं तो इसे छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है फिल अ फॉर्म वन डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन ही, पहले ये ऑफलाइन फिल होता था लेकिन अब इसे ऑनलाइन ही फिल करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो पीला वाला ऑप्शन दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन का, आपको इस पे क्लिक करना है तो आपको इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अटैक का बीमारी है, इसमें ज्यादातर जो है यहाँ पे आपको नो ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप यस पे सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन में यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करेंगे सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के, यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई, मतलब इसका मतलब यह है कि क्या आप दोनों आंख से सही से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप सही से देख सकते हैं तभी आप ड्राइविंग करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप यस पे क्लिक करना है इस पे। ठीक है, बाकी सब में आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। फिर से समझ लीजिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन में सिर्फ यस पे क्लिक करना है, बाकी सब में नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट ओके पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद आप बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी के पार्ट्स को डोनेट करना चाहेंगे अगर आपका जो डेट है एक्सीडेंट्स के माध्यम से होता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से एक्नॉलेजमेंट रिसीट यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका नाम वगैरह फिल होकर आ जाएगा। तो दोस्तों इस रिसीट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, आपको इस पे क्लिक करके इसे प्रिंट कर लेना है। दोस्तों इसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा, इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल होगा, इसमें सिर्फ आपको कैप्चा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सेम टू सेम फिल करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो पहला जो स्टेप है वो कम्प्लीट हो चुका है। पहला देख सकते हैं फिल एप्लीकेशन डिटेल्स लर्निंग लाइसेंस, आपका यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, आपको यहाँ पे टोटल पांच स्टेप को कम्प्लीट करना है। तो दोस्तों सेकंड में आप देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो दोस्तों नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन हो गया आ जाएगा, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है, पहला है एज प्रूफ एंड सेकंड में है एड्रेस प्रूफ। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे एज प्रूफ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एज प्रूफ में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड दे सकते हैं, बाकी यहाँ पे आप अपना स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर पासपोर्ट वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पैन कार्ड का पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोडेड है, तो सिंपली आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे लेके आके पैन कार्ड को अपलोड कर देता हूँ एंड इसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड नेक्स्ट कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे एंड एड्रेस प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड प्रूफ वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे जो भी एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आधार कार्ड को देना चाहता हूँ तो आधार कार्ड को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड उसी प्रकार से चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे एज प्रूफ में पैन कार्ड एंड
एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा नेक्स्ट का, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सेकेंड स्टेप भी कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप में फोटो एंड सिग्नेचर का अपलोड करना है। तो इसे अपलोड करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पे अपलोड फोटो करना है एंड इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो दोस्तों फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे उसका साइज जो है 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और उसका फाइल टाइप है JPG में होना चाहिए। तो दोस्तों फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे सिंपली ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जहाँ भी आपका फोटो है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर देना है। इसी प्रकार से सिग्नेचर के लिए आपको ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जहाँ आपका सिग्नेचर है उसे क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होके आ चुका है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, आपको इस पे क्लिक कर देना है एंड ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फोटो एंड सेंड इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका तीसरा स्टेप भी कम्प्लीट हो चुका है। अब चौथे स्टेप में आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना पड़ता है। तो फी पेमेंट करने के लिए आपको अगेन यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना फी पेमेंट करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ टू व्हीलर के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे 420 रुपए पेमेंट लिया जा रहा है। अगर आप 2 और 4 के लिए अप्लाई करेंगे बिहार से तो आपको यहाँ पे 740 रुपए का पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको सिंपली सेम टू सेम इस कॉलम में फिल करना है एंड इसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का एक प्रीव्यू ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको पीरियड को सिलेक्ट कर लेना है। पीरियड में आप जो ईयर चल रहा है 23-24 आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड सेकंड वाले कॉलम में एनुअली सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। पेमेंट डिटेल्स में सबसे पहला जो ऑप्शन है ई पेमेंट का, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड सिलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस भी बैंक से पेमेंट करना चाहते हो उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों नेक्स्ट इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन हो गया आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इस पे पेमेंट का बहुत सारा मेथड दिया हुआ है। जैसे आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों जो भी आपके पास मेथड अवेलेबल है, अगर आप कार्ड है तो कार्ड से करेंगे, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से करेंगे, यूपीआई तो यूपीआई से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरे केस में एसबीआई का नेट बैंकिंग अवेलेबल है तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आप नेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी नेट बैंकिंग से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपको उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आपको सिंपली उसको फिल करके यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है एंड यहाँ पे मुझे 60 सेकंड तक वेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों मुझे 60 सेकंड तक वेट नहीं करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है आपको, यहाँ पे क्लिक हियर टू रिटर्न द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना। तो इसके बाद इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो चालान है वो कट चुका है। चालान का रिसीट को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट रिसीट का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है एंड कैप्चा को फिल करके प्रिंट रिसीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका चालान का रसीद है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है या फिर आप डाउनलोड करके भी इसे सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद आप अगेन यहाँ पे बैक वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे चौथा स्टेप भी कम्प्लीट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप आपको कम्प्लीट करना है। इसमें आपको एक स्लॉट बुक करना है। स्लॉट बुक का मतलब है आपको एक डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस डेट को आपको आरटीओ ऑफिस जाना है। वहाँ पे आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए एक थोड़ा सा एग्जाम देना पड़ता है, वो आपको देना पड़ेगा तभी आपका लर्निंग लाइसेंस जनरेट होगा। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा, आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू बुक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन हो गया आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको एक डेट सिलेक्ट करना है, जिस भी डेट को अवेलेबल है जाने के लिए आप उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 15 तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन और खुल के आ गया। आप किस टाइम जाना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो टाइम आप यहाँ पे 10:30 से 1:30 बजे के बीच में जा सकते हैं या फिर 2 से 5 बजे के बीच में। तो दोस्तों आप जिस भी टाइम में कंफर्टेबल है आप उस टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करके बुक स्लॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके फोन में एक ओटीपी जाएगा, जिस भी आपने फोन से रजिस्टर किया था उस ओटीपी को यहाँ पे सिक्योरिटी कोड वाले ऑप्शन में फिल करेंगे एंड कंफर्म टू स्लॉट बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से यहाँ पे आपका स्लॉट बुक होके चला आएगा। इसमें आपका डेट एंड टाइमिंग लिखा होगा एंड आपका नाम वगैरह लिखा होगा। दोस्तों इसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका स्लॉट बुकिंग का रिसीट जनरेट होके आ चुका है। आपको सिंपली इसे डाउनलोड करके रख लेना है या फिर इसे प्रिंट आउट करके निकाल लेना है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है आप समझेंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन करते वक्त जो जो यहाँ पे
रसीट जनरेट हुआ है, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट का या फिर पेमेंट वाला रसीट या फिर आप देख सकते हैं स्लॉट बुकिंग का रसीट हो, ये सारा रसीट को प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। एंड आपका जो भी DTO ऑफिस है या RTO ऑफिस है आपको वहां पे जाना है एंड वहां पे आपको लर्निंग लाइसेंस का एक एग्जाम देना है। वो एग्जाम काफी इजी होता है, आपको सिर्फ सिंपली रोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राइविंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सिंपली वो एक सिंपल वर्ड में जवाब देना पड़ता है। आप जैसे ही उस टेस्ट को पास करेंगे आपका लर्निंग लाइसेंस उसी टाइम बन जाएगा, आपको उसी टाइम आपका लर्निंग लाइसेंस आपके हैंड में दे दिया जाएगा। अगर हैंड में नहीं भी देते हैं तो आप ऑनलाइन आके लर्निंग लाइसेंस को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको लर्निंग लाइसेंस का कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें एंड इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं जो एक महीने बाद अप्लाई होता है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद जय भारत।